एवरीवन, आई मरफा बदूल। टुडे वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 60 ऑफ क्लास 2 समर पैक SST। इट इज़ एन एक्टिविटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द मेन टॉपिक? फैंटेसी एंड रियलिज्म। रियलिज्म डिस्क्राइब थिंग डेट आर रियल एंड कैन हैपन एंड आर ट्रू। वो चीज़ें जो बिल्कुल हकीकत हैं, जो होती हैं, जो बिल्कुल रियल हैं, वो हमारी रियलिज्म कहलाती हैं। फैंटेसी डिस्क्राइब थिंग डैट आर नॉट रियल एंड कैन नॉट हैपन एंड डैट आर नॉट ट्रू। जो झूठ है, जो सही नहीं है, जो हो नहीं सकता, उसको हम फैंटेसी कहते हैं। डायरेक्शंस, आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। कलर द इवेंट ब्लू डैट शोन रियलिज्म ब्लू। ब्लू कलर से आपने जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं उस पर आपने कलर्स करने हैं। एंड द कलर द इवेंट ब्लो डैट शोन फैंटेसी रेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको पढ़ लेना है कि हमने दो टू कलर्स को यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद हमने इनको डन करना है। सबसे पहले एरोप्लेन कैन फ्लाई। यस, मैं इसको सबसे पहले इधर निशान लगा रही हूँ कि मुझे समझ आ जाए कि ये वाकई होता है, रियलिस्टिक है ये बात। अजनी फ्लाई फ्लू आउट ऑफ द लैम्प। जो जिन होता है वो लैम्प से निकलता है। नो, इट इज़ नॉट रियल, फैंटेसी है ये। अ बर्ड कैरिड अ स्ट्रिंग टू इट नेस्ट। तिनके तिनके ले जाना, परिंदे अपने घोंसले में तिनके लेके जाते हैं। ट्रू। अ क्वाला कैन टॉक। इट इज़ एन ऑस्ट्रेलियन एनिमल, सो इट इज़ अ फैंटेसी। अ काउ कैन टाइप। क्या काउ टाइप कर सकती है? नो, इट इज़ एन फैंटेसी। ट्रीज ग्रो लीव्स। ट्रीज़ पे यस, इट इज़ अ रियलिज़म। आप निशान लगा लें। उसके बाद कॉरल रीड बुक अबाउट अ वॉलकैनो। कॉरल का मतलब होता है आदमी, तो वो बुक्स को पढ़ता है वॉलकैनो के बारे में। इट इज़ अ रियलिस्टिक थिंग। एलिफेंट सेल स्विम इन द ओशन। नो, इट इज़ नॉट, इट इज़ अ फैंटेसी। अ बर्ड कैरिड अ पिलो टू इट नेस्ट। क्या बर्ड पूरे का पूरा पेलो तकिया लेके जा सकता है? नो, इट इज़ अ फैंटेसी। मरमिट स्विम इन द ओशन। या जो आपको हाफ औरत होती है और हाफ फिश होती है, तो क्या वो यहाँ पे समुंदर में तैर सकती है, स्विम कर सकती है? यस, इट इज़। ह्यूमन कैन फ्लाई। नो, इट इज़ अ फैंटेसी। काउज प्रोड्यूस मिल्क। या डेफिनेटली। ट्रीज ग्रो मनी। इट इज़ अ फैंटेसी। कोला ईट यूकलिप्टस। यस, ओके, मैंने इनको निशान लगा लिया। उसके बाद मैंने इसको कलर करने हैं। ओके एवरीवन, सी दिस, आपने इस तरह से इसको कलर कर लेना है। डार्क नहीं करना ज़्यादा, ताकि ये नज़र आता रहे। ओके, होपफुली यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।